बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और आलिया भट्ट आए दिन चर्चाओं का विषय बने रहते हैं। दोनों ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में साथ काम किया था, तो ये दोनों एक इवेंट में साथ नजर आए। साल 2012 में इन दोनों ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, तो हाल ही में इन दोनों ने फैंस को अपनी दोस्ती की झलक दिखाई। एक इवेंट में आलिया भट्ट के निकनामों के बारे में वरुण धवन से सवाल किए गए और वरुण धवन ने कहा कि आलिया के काफी सारे निकनेम हैं। मैं उन्हें स्टूडेंट ऑफ द ईयर के दौरान अल्लू कहता था। लंबे समय तक मैं उन्हें आमिर खान बुलाता था, क्योंकि जब वो 20 या 21 साल के आसपास की थी तो उनका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल आमिर खान की तरह दिखता था। वो हाई वेस्ट जींस पहना करती थी और शर्ट को टक करके पहनती थी। उनका स्वाद काफी हद तक आमिर खान जैसा था और वो एक परफेक्शनिस्ट भी है, इसीलिए मैं उन्हें आमिर खान बुलाता था। बता दें, आलिया भट्ट और वरुण धवन आखिरी बार साल 2019 में करण जौहर की फिल्म कलंक में एक साथ दिखाई दिए थे। मल्टी स्टार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। वहीं दोनों से इस सवाल को पूछा गया कि क्या अगली बार वो स्क्रीन पर साथ दिखेंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए आलिया ने कहा, वरुण बहुत बिजी है, उनके पास डेट्स नहीं है। इस पर वरुण ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, हाँ मैं बहुत बिजी हूँ, अभी अभी बच्चा हुआ है मेरे। इसके बाद आलिया ने कहा, हमने कई बार इस पर चर्चा की, जब भी हम स्क्रीन पर एक साथ आए तो काफी शानदार परफॉर्मेंस रही है। फिल्मों में हमने अच्छा काम किया है, अगर कोई प्रोजेक्ट सामने आएगा तो हम जरूर एक साथ काम करके दिखाई देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आलिया भट्ट और वरुण धवन ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने करियर की शुरुआत की, जो बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा पाई। वहीं आलिया की अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है, जिसमें वो रणवीर सिंह के साथ रोमांस करती नजर आने वाली है। वरुण धवन की बात करें तो वरुण धवन सिटाडेल वेब सीरीज के अलावा फिल्म बवाल में जानवी कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं।